कमौद जनपद पंचायत के अधीन आने वाली ग्राम पंचायत कमौदवाड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभान्वित हुए एक नाहल समाज के गरीब हितग्राही के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद जनपद से जांच करने पहुंचे जांच दल के कर्मचारी ने पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक धर्मेंद्र मीणा को दोषी पाया गया। जब धर्मेंद्र मीणा से मीडिया ने बाइट लेना चाही तो उसने स्पष्ट मना कर दिया। हितग्राही ने आवास की राशि में हेराफेरी धोखाधड़ी करने की आशंका के चलते खामखेड़ा चौकी जनपद पंचायत सहित क्षेत्रीय विधायक सचिन यादव को शिकायत दर्ज कराई गई है। हितग्राही प्रभु ने कहा कि मैंने पीएम आवास बनाने के लिए अपना मकान तोड़ दिया और मजबूरन क्षतिग्रस्त स्कूल में रह रहा हूं। पीएम आवास की प्रथम किस्त तो मिली थी लेकिन दूसरी और तीसरी किस्त खाते में आने के बाद गठित जनपदीय अधिकारी द्वारा धोखे से बैंक से राशि निकलवा ली। अब यह कथित जनपद अफसर कौन था, प्रभु पिता मुनिया नहाल को धोखा दिया, शिकायत के बाद अभी जांच का विषय बन गया है। देखना यह होगा कि इसमें और कोई दोषी पाया जाता है या नहीं, फिर जनपद कर्मचारियों की लिपापोती से मामले को यहीं सीमित कर दिया जाएगा। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। ये आपकी ग्राम पंचायत कमौदवाड़ा में जो पीएम आवास को लेकर के हितग्राही का पैसा बिना जियो टैग कर निकाला गया, क्या मामला है ये तो हमको भी मालूम। जो उसका अपने जो पासवर्ड है वो हमारे पास नहीं रहता है, ये अपने इसके पास रहता है, जीआरएस के पास। कौन है अभी फिलहाल जीआरएस यहाँ? धर्मेंद्र मीणा। और इसके अलावा किसी के पास आईडी रहती है? नहीं, वो जनपद में रहती है। जनपद में किसके पास रहती है? जो पीएम आवास का जो प्रभारी है अपने, उनके पास रहती है। इसकी 51 दिन की कुछ मजदूरी भी डली गई है पीएम आवास को लेकर के उसमें। वो तो पीएम आवास में डली हुई है ना, उनकी डिमे डली होगी, हमको नहीं पता है। जीआरएस का कहना है कि 51 दिन की मजदूरी पीएम आवास की मेरे द्वारा डाली गई है और जियो टैग मेरे द्वारा नहीं की गई है। तो जियो टैग ने किया तो फिर किसी पे पेमेंट डल गया? क्या बिना जियो टैग के क्या पेमेंट? नहीं डलता। क्या मामला हुआ था ये? हमको तो मालूम भी नहीं है। अरे हमको तो मालूम भी नहीं कि मौका स्थल पे बिना निरीक्षण के क्या पीएम आवास का मजदूरी और पीएम आवास की राशि डल जाती है? नहीं डलती नहीं। क्या नाम है आपका? नागिया भार्गव। कौन सी ग्राम पंचायत? कमौदवाड़ा। दादा जो तुम्हारे पीएम आवास का पैसा निकला है, क्या मामला है सर? मेरा पीएम आवास का मेरे को एक कार्यालय राशि जैसे जून में मिली थी और उसके बाद में वो मैं मकान बनाने के काबिल नहीं था, मकान नहीं बना पाया। छोटा मकान था, रहने वाले 8-10 सदस्य थे उसमें, मकान बना नहीं पाया मैं सर। मैंने आप उसको चालू करा, इसके बीच में मेरा जियो टैग करके क्या मालूम कैसा करना था, नहीं उनको कर दिया जनपद से और मेरी 2 राशि डल गई उसमें पीएम हाउस की। अब वो राशि अन आदमी गया, मेरे को बताया जनपद से कि भैया तुमने अभी तो मकान तोड़ा भी नहीं, ये गलत राशि डल गई तुम्हारी, दूसरे की है तो दूसरे के आवाज़ के पैसे तुम्हारे इसमें डल गए, ये हमको निकाल के दे दो। तो मेरे पास आदमी का मेरे को बिठा के लाया बैंक में और मैंने उसको निकाल के वो राशि वो एक दी जो थी दूसरी आया बाद में राशि डली थी वो भी उसको मालूम, मेरे को मालूम नहीं मेरी राशि डल चुकी कि नहीं डली, फिर भी उसको ही पता था। वो आया फिर मेरे को बोला दादा निकाल के दो यार, हमारी जान फंसी है, इसको बराबर कर देंगे, तुम्हारा काम भी बहुत जल्दी जारी करेंगे और तुमको भी जल्दी बनवा के देंगे, तुम्हारी राशि भी हम जल्दी डलवा देंगे, तुम भी आप मकान तोड़ो। इसमें क्या अब मजदूरी का पीएम आवास की मजदूरी का पैसा भी तुम्हारे खाते में डल गया? सर ये मेरे को पता ही नहीं था, उनको मालूम था कि पैसा डला है इसका, मेरे को कोई मालूम नहीं। और पीएम हाउस का मेरी बात सुनो, पीएम हाउस का पैसा भी डला कि नहीं वो भी मेरे को मालूम पता नहीं था, क्या मालूम महीने पर 2 महीने पहले से पैसा भी डला हुआ था। पैसा दे चुके हो अब तक उनको? मैंने 80,000 रुपये दे चुका हूँ सर। और अभी जो जियो टैग करवाई फोटो करवाई उसमें क्या करना पड़ता है जीआरएस का? वो सर वो तो बोल रहे हैं कि अब उन्हें तो पूर्ण मकान बता दिया मेरे को कि तुम्हारा पूर्ण मकान हो चुका। मैं कल मैंने जैसा कुर्सी भरी मेरे, मैं कल गया था शिशु के पास में, मैंने फोटो निकालो। अब मेरे को पता नहीं भाई अपने का 40,000 रुपये की क्या राशि आएगी और मजदूरी आएगी, अब इसमें मजदूरी भी घुस गई और सब पूरा पेमेंट वो उनको दे दिया मैंने कि भैया मेरे को क्या मालूम कि मजदूरी भी इसमें डल गई कि पी एम हाउस का पैसा मेरा है ये, क्योंकि मैंने मकान नहीं तोड़ा था सर, मेरी मजबूरी थी, मेरे पास छोटा मकान था। अभी जियो टैगिंग के लिए जीआरएस जैसा गया था तो क्या कहना पड़ा उसका? अब उसने मेरे को ये बताया कि तेरी फोटो नहीं आ रही इसमें अभी, तो ये क्लियर नहीं हाँ, कि तुम्हारा पीएम आवास बन चुका है। हाँ नहीं वो फिर यहाँ हम जनपद में आए कल
नोटिस छोड़ा था आपका? हाँ, नोटिस दिया था ना सर मेरे को। कौन सी पंचायत का मामला है? कमोदवाड़ा पंचायत। क्या नाम है आपका? प्रभु पुनिया। पीएम आवास भी आपके नाम से है? हाँ, पीएम आवास मेरे नाम से। मैंने पूछा भी सर, मैंने फोटो क्यों नहीं आ रहा मेरे नाम से है भी कि नहीं आवास यार। पहली किस्त तो मेरे को मिली 25,000 रुपये निकाले मैंने, ये आई फिर आप क्या रख लेता है इसमें? मैडम, ग्राम कमोदवाड़ा में प्रधानमंत्री आवास को लेकर कोई हितग्राही के खाते से पैसे का अपहरण हुआ है, क्या मामला है मैम? ये विषय हमारे संज्ञान में अभी 3 दिन पूर्व आया था। इसकी हमने खंड पंचायत अधिकारी और प्रधानमंत्री आवास बीसी के माध्यम से जांच कराई। जांच में ये पाया गया कि रोजगार सहायक द्वारा हितग्राही का आवास निर्माण प्लेन स्तर का होने के बाद भी द्वितीय और तृतीय किश्त का अन्य का जियोटेक करके राशि आहरण की कार्यवाही की गई है। पूर्ण रूप से इसमें रोजगार सहायक दोषी पाया गया है, क्योंकि जियोटेक के जो आईडी पासवर्ड होते हैं वो ग्राम पंचायत जीआरएस के पास होते हैं। उनके द्वारा इसे अन्य का जियोटेक करके पात्र हितग्राही का जियोटेक नहीं करते हुए राशि आहरण की कार्रवाई की गई है। इस विषय को हमने वरिष्ठ स्तर पर संज्ञान में ला दिया है और जीआरएस के ऊपर कार्रवाई के लिए भी हम प्रस्ताव जिला कार्यालय भेज चुके। अभी कोई कार्रवाई हुई उसमें मैडम? एक्चुअली प्रस्ताव हमने आज ही भेजा है, जांच प्रतिवेदन कल प्राप्त हुआ था तो कार्रवाई के लिए हमने आज ही भेजा है। ऐसे और भी मामले हैं जीआरएस के द्वारा किए गए हैं, पुलिया निर्माण में भी जो मारपीट की गई थी इसमें कुछ कार्रवाई थी? ये वाला विषय मेरे संज्ञान में नहीं है। अभी आवास का आया है तो बिल्कुल उसमें जीआरएस दोषी पाया गया है, हमने उसे कार्रवाई के लिए जिला वरिष्ठ कार्यालय में भेज भी दिया। ओके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।